थिंग्स to so okay. let, uh, let uh, आई है अगर जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा है तो उन्हें पता है कि सूर्य और शनि की दुश्मनी है अब ऐसा क्यों हुआ सूर्य भगवान की शादी होती है संज्ञा से अब सिंस सूर्य इतने तेज वाले है मैं क्विकली सुनाऊंगी यह स्टोरी क्योंकि मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बहुत आराम से यह स्टोरी सुनाती हूँ सो so, सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा सूर्य का इतना तेज इतना प्रताप कि संज्ञा उनके साथ नहीं रह पाती है तो संज्ञा सोचती है लेट मी गो समवेयर डू मेडिटेशन एक्वायर सम लॉर्ड ऑफ तप और खुद भी अर्जित करूं ताकि मैं अपने पति के साथ आसानी से रहूं बट शी वाज लाइक कि अपने हस्बैंड को कैसे बोल दूं कि uh, मैं आपके साथ नहीं रह पा रही ही फील बैड सो वो अपनी एक शैडो क्रिएट करती है जिसको जिसका नाम होता छाया और वो उस छाया को बोल के जाती है कि मेरे घर मेरे बच्चों का तुम ध्यान रखना मैं तप करके आती एंड शी टू द जंगलों में चली जाती है अपना मेडिटेशन और सिद्धि करने देन नाउ दिस छाया इज लिविंग हैप्पीली विद लॉर्ड एंड मीनवाइल दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं तो शी गेट्स प्रेगनेंट एंड जब बच्चा बॉर्न होता है अब वो जब प्रेग्नेंट हो थी तब वो बहुत ज्यादा शिव भक्ति कर रही थी सो so, शिव भक्ति करते-करते शी वाज नॉट लुकिंग आफ्टर Herself गाने गाने। अपना ध्यान वो बिल्कुल नहीं रख रही थी इस वजह से जब उनके बच्चा बॉर्न होता है वो माल न्यूट्रिशंड बच्चा पैदा होता है तो वो सावला सा काला सा बच्चा बॉर्न हो जाता है अब वो बच्चा कौन था शनिदेव तो अब सूर्य भगवान ने जब ऐसा बच्चा देखा obviously सूर्य भगवान ऐसे गोरे तेजस्वी और उनका ऐसा बच्चा तो ही denies he rejects this बच्चा he says ये मेरा हो ही नहीं सकता अब ये कितना बड़ी बात हो जाती है कि ये मेरा हो ही नहीं सकता एनीवेज तो छाया छाया अपना दुखी हो जाती है अब ओवर ईयर सूर्य भगवान इस बच्चे को निग्लेक्ट करते तो जैसे ही वो शनिदेव बड़े होते हैं वो अपनी माता से इसका कारण पूछते हैं और जब माता उनको इसका कारण बन, बताती है तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं तो उस गुस्से गुस्से में वो एक तिरछी नजर अपने पिताजी पर डालते हैं जिसकी वजह से सूर्य भगवान का रथ रुक जाता है धीरे हो जाती है उनकी स्पीड तो जैसे ही उनकी धीरे हो गई स्पीड चारों तरफ अंधकार फैल जाता है अब सूर्य भगवान सूर्य भगवान जैसे ही उनको यह पता चलता है अब यह स्टोरी मैंने बेसिक्स बेसिक्स ऑफ ऑफ स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी में नहीं सुनाई है तो अब यह नहीं है तो सूर्य भगवान जैसे ही अब देखते हैं कि ये बालक इसने मेरे रथ को रोक दिया शनि तो जो काल पुरुष की कुंडली है हमारी एस्ट्रोलॉजी उसमें शनि के पास दो घर होते हैं एक होता है मकर राशि एक होता है कुंभ राशि अब सूर्य अपने घर में बैठ के दैट इज सिंह राशि में सूर्य बैठे होते हैं वो उनका घर है वहां से वो अपने जलाने वाली दृष्टि से सामने होता है कुंभ राशि का घर जो शनि का घर है उसको जला देते हैं पूरा जला देते हैं। तो सिंस वो घर वो जला देते हैं अब शनि क्या है कर्मों के न्याय के देवता तो सिंथ सूर्य भगवान ने गलत कर्म किया पहले तो अपनी पत्नी पे उन्होंने लालछन लगाए फिर उन्होंने एक घर और जला दिया जहां उनकी पत्नी छाया और उनका पुत्र शनि रहते थे आधे दिन वो यहाँ रहते थे एक्वेरियस में आधे दिन केपलकॉन में तो इससे ये सब देख के उनके जो पुत्र है यम सूर्य भगवान के पुत्र यम वो इंटरवीन करते हैं अब ये सारी एक्टिविटीज बहुत क्विकली हो रहा है तो यमराज आते हैं वो सूर्य भगवान को समझाते हैं और उनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे संज्ञा जंगल में चली गई कैसे छाया कैसे शनिदेव हुए हैं अब जब सूर्य भगवान अपने बेटे का घर जलाते हैं तो सिंस वो इतनी अग्नि और शनि देव का भी रोष होता है कि उनको कुष्ठ रोग भी हो जाता है तो उनपे तो जिनका सूर्य पत्रियों में खराब होता है उनको स्किन डिजीज भी होता है तो फिर यमराज आते हैं यमराज हेल्प करते हैं उनको उनका कुछ श्रोक खत्म करते हैं फिर वो शनि देव को भी समझाते हैं फिर वो यमराज अपने पिता सूर्य को समझाते हैं कि शनि की कोई गलती नहीं है पिताजी आप उससे नाराज नहीं हो तो फिर सूर्य देव ऑन मकर संक्रांति वाला डे गोज टू अपना देव का जो घर है मकर राशि उसमें सूर्य भगवान जाते हैं अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो रही है क्यों क्योंकि राजा जो है सूर्य वो उस पुत्र के जिसको उन्होंने कभी भी स्वीकारा नहीं था उसके घर जा रहे अब शनि देव के घर जब पिता आते हैं वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज क्रेविंग फॉर हिस्स फादर्स लव तो हैप्पी शनि देव के क्या हुआ जो वो के, आ, उनका एक्वेरियस वाला घर था उस घर घर में सारा जल जाता है सिर्फ काले तिल तिल बच बच जाते जाते हैं तो वो या वो या जो काले हो जाते हैं या काले तिल बच जाते हैं उनको शनि देव अपने घर ले आते हैं मकर राशि और जब सूर्य देव आते हैं तो अपने पिता का स्वागत में वो वो काले तिल अपने पिता को ऑफर करते हैं तो सूर्य देव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं खुश होते हैं और वो अपने शनि इस बेटे को ये वरदान देते हैं कि जब भी कोई काले तिलो का दान करेगा कोई किसी को काले तिल देगा उसको बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और तुमने मेरे साथ इतना अच्छा किया तो मैं तुम्हारा कुंभ राशि वाला घर को वापस धन धान्य से भर देता हूं इसलिए कुंभ राशि चैरिटी की भी राशि है इट्स फुल ऑफ उसका जो सिंबल है एक मटका है मटका विच इज गिविंग थिंग्स टू द वर्ल्ड सो ये सूर्य भगवान शनि देव को देते हैं इसलिए इस दिन दान का महत्व है वो भी काले तिलों का दान क्योंकि काले तिलों का दान करने से सूर्य खुश होते हैं प्लस शनि जो कर्मों के देवता हैं वो भी प्रसन्न होते हैं ओके okay? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि सूर्य भगवान का अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश की स्टोरी थी इसलिए मकर संक्रांति इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट दिस वाज अ माइथोलॉजी स्टोरी अब दो तीन चीजें मैंने आपको